आपको बता दें, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। जी हाँ, और निशाना साधते हुए कहा कि लगता है सीएम योगी को ठंड लग गई है। जी हाँ, देखिए आरएलडी अध्यक्ष लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच सीएम योगी पर हमला करते हुए निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि लगता है सीएम योगी को ठंड लग गई है। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या सपा के साथ आने के लिए शर्त उन्होंने रखी है और डिप्टी सीएम का पद मांगा है क्या, तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। सीएम डिप्टी सीएम का पद नहीं मांगा गया है। यूपी का हर किसान और युवा है डिप्टी सीएम, जयंत चौधरी की ओर से कहा गया है। चौधरी जयंत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आरएलडी प्रमुख हैं, आप मथुरा से सांसद भी रह चुके हैं, क्या माहौल इस वक्त देख रहे हैं? अच्छा माहौल है, लोग उत्तर प्रदेश के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं हम लोग और पसंद कर रहे हैं जो हमारा मैसेज है, एक सकारात्मक मैसेज उत्तर प्रदेश को एक अच्छी दिशा देने के लिए और गति देने के लिए हम लोग मिलकर हमने बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, वो अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 5 साल की मेहनत लोगों ने देखी है, हम लोगों ने संघर्ष किया, लाठियां खाई, जनता के बीच रहे। लगातार जिस तरह से अलग अलग मुद्दों का जिक्र हो रहा है, वो जितने गाली हमें देंगे हम और शक्तिशाली होंगे। धन्यवाद। मथुरा की इस कड़कड़ाती ठंड में एक सवाल उसको लेकर जो सीएम योगी ने कहा है कि 10 मार्च को गर्मी उतार देंगे सबकी, पीछे जो पिछले सप्ताह ठंड आई थी मुझे लग रहा है वो बौखलाहट में उनको खुद ठंड लग गई, बीजेपी का कहना है वो कंबल ओढ़ के लेट जाए। कुछ लगातार कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया जा रहा है जयंत जी, अपना गठबंधन कितनी सीटें प्राप्त कर पाएगा यूपी में? कानून व्यवस्था के बारे में आपने पूछा, मैं आपके माध्यम से मतदाताओं को याद दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता को याद दिलाता हूं, चौधरी चरण सिंह की के प्रशासन को वो याद रखें कितने वो सख्त होते थे, और गुंडा एक्ट उन्होंने 1970 में बनाया था, तो उत्तर प्रदेश में जो गुंडे हैं जो भी अपराध करेंगे उनको पूरा कानून के तहत दंड दिया जाए। क्या गठबंधन की सरकार बनी तो क्या डिप्टी सीएम होंगे? लगातार इसको लेकर सवाल हो रहे हैं। वो उनके डायलॉग बाजी है, कौन सुन रहा है उनकी बात है? क्या चौधरी जयंत सिंह गठबंधन में डिप्टी सीएम होंगे अगर सरकार बनी तो? ऐसी कोई पेशकश नहीं, ऐसी कोई डिमांड नहीं। हाँ, उत्तर प्रदेश का हर किसान और हर नौजवान डिप्टी सीएम नहीं सीएम होगा। लगातार बीजेपी भी आपको ऑफर कर रही है, बुला रही है। बीजेपी में बहुत शुक्रिया। चौधरी जयंत सिंह हमारे साथ जुड़े थे, आरएलडी प्रमुख, और हम मथुरा में अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ मकसूद खान, जी मीडिया के लिए।